नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सौरव कुमार मीणा, लेक्चरर इन डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जीपीसी 12। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस इन मैन्युफैक्चरिंग, सब्जेक्ट कोड ME 302। तो सबसे पहले हम इसका सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो इसके सिलेबस में हम देखते हैं मेटल फॉरिंग प्रोसेस है, आगे चल के देखते हैं तो कन्वेंशनल मेटल कटिंग प्रोसेस है। तो हम चैप्टर 2 से डिस्कस स्टार्ट करेंगे आज, मेटल और कन्वेंशनल मेटल कटिंग प्रोसेस, और आगे के लेक्चर में आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि प्रोसेस इन मैन्युफैक्चरिंग जो सब्जेक्ट का नाम है, तो इसमें से मैन्युफैक्चरिंग को डिफाइन करते हैं। हाउ, अगर आपसे कोई पूछे कि मैन्युफैक्चरिंग क्या है, तो आप मैन्युफैक्चरिंग को डिफाइन कैसे करोगे? तो बेसिक लैंग्वेज हम देखते हैं सीधी भाषा में। तो मैन्युफैक्चरिंग में हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल जो होता है उसको हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। रॉ मटेरियल इन द सेंस, कोई भी आपका जो रॉ मटेरियल होता है जो कुछ काम का नहीं होता, जैसे अगर मान लो रॉ मटेरियल है आपका, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप उसको अगर बेचोगे तो एकदम बहुत ही, जैसे मान लो ये लोहे का एक टुकड़ा है, ठीक है, या एक लकड़ी का एक टुकड़ा है, तो ये आपके जब तक ये पड़ा हुआ है अगर मान लो, तो ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। लोहे का एक टुकड़े की ज़्यादा ऐसा कुछ वैल्यू नहीं है कि आप इसको किसी को बेच दो और उसके कुछ काम आ जाए। वो कुछ उसकी कुछ थोड़ी बहुत इकोनॉमिक वैल्यू हो सकती है, लेकिन वो आपके कुछ यूज में नहीं आ रहा, ठीक है। तो उसमें क्या करते हो आप, जैसे मान लेते हैं ये आपका लोहे का एक टुकड़ा है, ठीक है, तो इस पे आप कोई प्रोसेस करके, अब उस पे आप कोई मशीन से प्रोसेस कर सकते हो, अपने खुद प्रोसेस कर सकते हो, उस पे कोई भी प्रोसेस करके, उसकी कटिंग करके, मेटल रिमूव करके, या कुछ उसमें एडिशन करके, वेल्डिंग करके, जैसे भी, तो उसको कुछ यूज करने के लिए चीज़ बना दो। कोई भी चीज़ बना दी आपने, ठीक है, कुल्हाड़ी बना दी, ठीक है, कुछ भी बना दिया आपने, तो उसके उस पर कुछ प्रोसेस करने के बाद आपने कोई चीज़ बनाई, वो क्या हो गई आपकी, कोई फिनिश गुड हो गया, फिनिश गुड जो कि आपके काम आ सकता है, किसी और के काम आ सकता है, उसको आप मार्केट में बेच सकते हो, कुछ उससे इकोनॉमिक बेनिफिट उठा सकते हो, ठीक है। तो क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल को हम फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ है, ये मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडिशन प्रोसेस हुआ। मैन्युफैक्चरिंग क्या हुआ, वैल्यू एडिशन प्रोसेस, ठीक है। तो अब ये तो हमने बेसिक टर्म में मैन्युफैक्चरिंग को हमने समझ लिया है। अगर इसको डिफाइन करें, अगर आपसे पूछा जाए कि एग्ज़ाम में इसको डेफिनेशन लिखना है आपको, ठीक है, तो उसके लिए हमें कुछ अच्छी लैंग्वेज में एक डेफिनेशन लिखनी होगी, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग को कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन जो हमने समझा है उसी तरीके से हम डिफाइन करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग इज द प्रोसेस ऑफ रॉ मटेरियल, प्रोसेसिंग ऑफ द रॉ मटेरियल और पार्ट्स इनटू फिनिश्ड गुड्स थ्रू यूज ऑफ टूल्स, हम टूल को यूज कर सकते हैं, यूज ऑफ लेबर, ह्यूमन लेबर को यूज कर सकते हैं, थ्रू मशीनरी और केमिकल प्रोसेसिंग, ठीक। तो मैन्युफैक्चरिंग इज द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल और पार्ट्स इनटू फिनिश गुड्स थ्रू यूज ऑफ गुड्स और यूज ऑफ टूल्स, ह्यूमन लेबर, मशीनरी एंड केमिकल प्रोसेसिंग, दिस इज द मैन्युफैक्चरिंग। नाउ दूसरी डेफिनेशन देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इज द वैल्यू एडिशन प्रोसेस, वैल्यू एडिशन प्रोसेस अलाउइंग बिजनेसेस टू सेल फिनिश्ड प्रोडक्ट, फिनिश्ड गुड्स एट हायर कॉस्ट और ओवर द वैल्यू ऑफ द रॉ मटेरियल। तो क्या कहने का मतलब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इज द वैल्यू एडिशन प्रोसेस, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, मान लो आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, जैसे आपके पास है वुड है, ठीक है, टिम्बर है, उससे आप क्या कर सकते हो, चेयर बना सकते हो, ठीक है। ये चेयर आपने बना दी, अगर वो वुड रखी हुई है आपके पास तो वो कोई काम की नहीं है, लेकिन आपने अगर चेयर बना दी, ज़्यादा वुड को आप जला सकते हो, ठीक है। तो अगर वुड से आपने अगर चेयर बना दिया प्रोसेस करके, ठीक है, तो वो
चेयर को आप क्या कर सकते हो, मार्केट में बेच सकते हो। ठीक है, तो इस जो आपका रॉ मटेरियल था, ये जो वुड थी, वैसे ही उससे ज़्यादा कॉस्ट में बेच सकते हो। ठीक है, तो उसमें कुछ आपने वैल्यू एड कर दी, ये काम आ गया कुछ, तो ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग मेरे हिसाब से अब जो डेफिनेशन है इसकी आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो देखते हैं बेटा ये कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो हम तीन तरीके से क्लासिफाई करेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को। एक हो गया जीरो प्रोसेस, ठीक है, एक हो गया पॉजिटिव प्रोसेस, एक हो गया नेगेटिव प्रोसेस। अब इन सब में जीरो प्रोसेस, पॉजिटिव प्रोसेस और नेगेटिव प्रोसेस में इनमें डिफरेंस क्या है, ये देखते हैं। ठीक है, अब तो सबसे पहले जीरो प्रोसेस को देखते हैं। ठीक है, तो जीरो प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग में किसे कहते हैं, तो जीरो प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग वो होती है जिसमें आपने वक्त जो, अगर ये मान लेते हैं आपके पास कोई भी रॉ मटेरियल है, ठीक है, अब रॉ मटेरियल के आपने फिनिश गुड बना दिया, लेकिन इसके जो मास है उसमें आपने चेंज नहीं किया, उसको क्या बोलेंगे, जीरो प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इस पर कोई कर दिया आपने, लेकिन उसके मास में कोई चेंज नहीं आया, ठीक, कोई ज़्यादा खासा चेंज नहीं आया, तो उसको क्या बोलेंगे, जीरो प्रोसेस। अब जीरो प्रोसेस के एग्जांपल देखते हैं। जीरो प्रोसेस में आ जाती है शेपिंग आ जाती है, फॉर्मिंग प्रोसेस आ जाती है, ये आपकी कौन सी, जीरो प्रोसेस में आ जाती है। ठीक है, अब देखते हैं पॉजिटिव प्रोसेस। पॉजिटिव प्रोसेस में क्या होगा, नाम से ही क्लियर है, जब जीरो प्रोसेस में उसके मास में चेंज नहीं आया, ठीक है, पॉजिटिव प्रोसेस में क्या होगा, मास इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव से मतलब क्या है, मास इंक्रीज हो जाएगा। जैसे वेल्डिंग को देखते हैं, जॉइनिंग या वेल्डिंग प्रोसेस में देखते हैं हम। ठीक है, तो वेल्डिंग में क्या करते हैं हम, ये वर्क पीस आपका जीरा, ये वर्क पीस दो वर्क पीस है, इनको आपने जोड़ोगे तो इस पर कोई फिलर मटेरियल डालोगे, तो फाइनल जो प्रोडक्ट आएगा उसका मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव प्रोसेस। ठीक है, अब चलते हैं हम नेगेटिव प्रोसेस क्या होता है। तो नेगेटिव प्रोसेस में क्या है, जो आपका फाइनल जो गुड्स बनेगा, जो भी है प्रोडक्ट बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, उसका मास क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव प्रोसेस। तो ये आपका इसके लिए एग्जांपल, अगर देखें आप नेगेटिव प्रोसेस के लिए तो क्या होगा, नेगेटिव प्रोसेस के लिए एग्जांपल मेटल कटिंग, जो अपन मेटल कटिंग देखते हैं उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव प्रोसेस। मेटल कटिंग आपका कौन सा प्रोसेस हुआ, नेगेटिव प्रोसेस। मेटल कटिंग में क्या होता है, अगर हम मेटल कटिंग की डेफिनेशन देखें तो मेटल कटिंग में होता क्या है कि जैसे मान लो आपको कोई ये रॉ मटेरियल है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हमको कोई भी शेप देना है, हमको प्रोडक्ट बनाना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, मेटल कटिंग में इसमें जो भी अनवांटेड जो मटेरियल है, जो वर्क पीस, ये जो वर्क पीस है इसमें अनवांटेड जो मटेरियल है उसको हमने हटा दिया। ठीक है, तो ये आपकी क्या हुई, मेटल कटिंग। ठीक है, जैसे ये आपका ये इसका ये एस शेप में आपका वर्क पीस है, ठीक है, रॉ मटेरियल है, ठीक है, रॉ मटेरियल। अब इसका आपको बनाना है, एक ब्लॉक बनाना है, ब्लॉक जिसमें ऐसा ब्लॉक बनाना है जिसमें ऐसे ऐसे ये आपका इस शेप में होना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे आप, यहाँ पे आपने मेटल कटिंग कर देंगे, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो इसका मास है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो मास में क्या आएगा, डिक्रीमेंट आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव प्रोसेस। ये क्या हुई, मेटल कटिंग। अब देखते हैं एक बार और एग्जांपल देखते हैं, जैसे पॉजिटिव प्रोसेस में हमने देखा था, पॉजिटिव प्रोसेस में जॉइनिंग, जॉइनिंग में क्या है, आप रिबिट के थ्रू जॉइनिंग कर सकते हो, उसमें क्या है, रिबिट का मास ऐड हो जाएगा, तो ये मास एडिशन हो रहा है फाइनली, तो उसके क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव प्रोसेस। ठीक है, और आगे एग्जांपल देखेंगे धीरे धीरे, आगे भी एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही बहुत है, और आपको कुछ होमवर्क देता हूँ मैं, अगली क्लास में जब आओ तो क्या करना है कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उनके आपको एग्जांपल लिख के लाने हैं। ठीक है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जैसे
आपका मेटल कटिंग हुआ, ठीक है, फिनिशिंग हुआ, शेपिंग हुआ, ठीक है, ये सब के इनके लिए एग्जांपल लिख के लाओगे आप। जितने भी आप ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एग्जांपल लिख के लाओगे कि उनके प्रोसेस के नेम, ओनली सिर्फ नेम, कास्टिंग, फॉर्मिंग, ये सब नाम लिख के लाना है, ठीक है, ओके। आगे हम पढ़ेंगे मेटल कटिंग, ये आपका आज मैन्युफैक्चरिंग का कुछ बेसिक डेफिनेशन हुई, ओके, आज के लिए।